1119 लवारिस दिवंगत आत्माओं की हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड की जगह कालेश्वर महादेव घाट में इस साल पितृपक्ष अमावस के दिन को श्राद्ध किया जाएगा। इस साल कोरोना महामारी के चलते हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में श्राद्ध नहीं हो पाएगा। शांतनु कुमार ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार हर की पौड़ी में प्रतिबंध लगा दिया है, जिस कारण वहां पर कोई भी श्राद्ध आदि नहीं कर पाएगा। शांतनु कुमार ने बताया कि पिछले लगभग 22 सालों से हर की पौड़ी हरिद्वार ब्रह्मकुंड में दिवंगत आत्माओं की अस्थि विसर्जन से लेकर साल में एक बार अमावस के दिन पितृपक्ष में सभी लावारिश आत्माओं का श्राद्ध किया जाता था। पहली बार ऐसा समय आया है कि कालेश्वर महादेव मंदिर में 1119 लावारिश आत्माओं के श्राद्ध किए जाएंगे। आज भी पूरे प्रदेश से मिशन लावारिश डेड बॉडी की अस्थियां मिल रही हैं, जिन्हें बाद में एकत्र करके हरिद्वार गंगा में विसर्जित किया जाता है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में भी 8 व्यक्तियों की अस्थियों का विसर्जन किया गया। शांतनु कुमार ने बताया कि पितृपक्ष अमावस के दिन सभी लावारिश दिवंगत आत्माओं के श्राद्ध किए जाएंगे एवं उनसे आशीर्वाद प्राप्ति करेंगे। साथ में श्रद्धा अनुसार अनाज वस्त्र एवं फल आदि दान भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ भी हो जाए, मिशन लावारिश दिवंगत आत्माओं की गति के लिए काम करते रहेंगे। चाहे वह कोरोना हो या कुछ और हो, ये मिशन नहीं रुकने वाला। इस समय में जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के महाकालेश्वर महादेव मंदिर में खड़ा हूँ। हर साल की तरह मैं मिशन लावारिश की ओर से हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में मिशन लावारिश के तहत जो अस्थि विसर्जन करता था और साल में एक बार उनका श्राद्ध भी करते थे पितृपक्ष में अमावस के दिन, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते जहाँ पूरे विश्व इस महामारी को झेल रहे हैं, इसमें आम आदमी ही नहीं हमारा मिशन लावारिश भी इसकी चपेट में आ गया और इसके चलते इस बार हम हरिद्वार हर की पौड़ी जा नहीं पाया, जिसके चलते इस बार उनकी उन दिवंगत आत्मा की जो हुक्म है, उनके जो आशीर्वाद है, उनकी आशीर्वाद के अनुसार इस बार मैं जिला कांगड़ा की महाकालेश्वर मंदिर के तीर्थ स्थान में खड़ा हूँ। आज इनकी घाट पे कालेश्वर घाट में आज इन लावारिश दिवंगत आत्माओं की श्राद्ध किया मैंने। आज कुल मिला के 1117 लावारिश दिवंगत आत्मा की मैंने श्राद्ध किया और उनके आशीर्वाद को मैंने प्राप्त किया और उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए जो हो सकता है मैं श्राद्ध अनुसार अपने किया है। और भोलेनाथ की बड़ी कृपा है कि उनकी शरण में आज मैं खड़ा हूँ और इन दिवंगत लावारिश आत्माओं के लिए श्राद्ध कर सका। और जहाँ मैं कोशिश करूँगा, जहाँ तक हो सके इन लावारिश दिवंगत आत्मा के लिए मैं काम करते रहूँगा, चाहे कोरोना है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा लावारिश मिशन लावारिश चलते रहेंगे।